इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। कुरान मजीद की सूरत अल अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين। और वही है जो रात को नींद में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और वो जानता है जो तुम दिन के वक्त कमाई करते हो, फिर वो तुम्हें उस दिन में उठाता है ताकि वक्त मुकर्रर पूरा किया जाए, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो अमल तुम किया करते थे, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वही तुम पर निगहबान फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए उसे फौत करते हैं और वो कोई कोताही नहीं करते, फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं जो उनका हकीकी मौला है, खबरदार उसी के लिए फैसला करने का इख्तियार है और वो सबसे ज्यादा जल्द हिसाब लेने वाला है। इन आयात में आप देख रहे हैं कि अल्लाह सुभान व तआला ने पहले हर इंसान के सोने और जागने का जिक्र किया है, फिर मरने और फिर मरकर जीने का जिक्र है। तो हर रोज हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को आकर ये बताया कि तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे तो उन्हें यकीन ना आया। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मरने के बाद हम फिर उठाए जाएं? बस मर गए तो खत्म हो गए। माहिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, जिंदगी तो बस दुनिया की जिंदगी है, हम जीते हैं, मरते हैं, बस खत्म हो जाते हैं। तो उन लोगों का आखिरत पर यकीन नहीं था, तो उनको समझाया गया किस चीज से, हर रोज के सोने और जागने के अमल से, कि किस तरह इंसान हर रोज रात को सो जाता है, अल्लाह ताला उसकी एक रूह कब्ज करते हैं, फिर वो सुबह जाग उठता है। तो ऐसे ही होगा कि मौत के बाद इंसान सो जाएगा और फिर क़यामत के दिन दोबारा उठेगा। जैसे रोजाना सोने के बाद उठना कुछ मुश्किल काम नहीं, तो अल्लाह सुभान व तआला के लिए मौत के बाद किसी को जिंदा करना, दोबारा जगाना, उठाना कुछ मुश्किल काम नहीं, और ये काम अल्लाह सुभान व तआला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह सुभान व तआला रोजाना इसी तरह इंसानों के साथ तसर्रुफ करते हैं ताकि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी कर लें, यानी जितनी जिंदगी उनकी लिखी हुई है इस दुनिया में, जितना उनको रहना है उतना वो रह जाएं, और फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, उनका वक्त खत्म हो जाता है, तो फरिश्ते आकर उनकी रूह कब्ज कर लेते हैं, और फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म मानने में कुछ भी देर नहीं करते, जरा लम्हे के लिए भी कोताही नहीं करते, और जिस वक्त जिसकी मौत लिखी होती है उस वक्त उसको दुनिया से ले जाते हैं, और फिर अल्लाह सुभान व तआला ही की तरफ सब की वापसी है। इसीलिए जब कोई फौत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं, हम भी लौट के जाने वाले हैं, हम भी पलटने वाले हैं, जहाँ से आए हैं वही वापस जाएंगे, और ये वापसी यकीनी है। तो यहाँ पर जो आयत में लफ्ज आया है, वहुवल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैल, वो जो तुम्हें रात के वक्त फौत कर देता है, तवफ्फी का मतलब होता है किसी चीज को पूरा ले लेना, तो हकीकत में इसका इतलाक मौत पर होता है, लेकिन मजाजी मानों में नींद के लिए भी, क्योंकि नींद जो है वो मौत की बहन है, नींद मौत से मिलती जुलती चीज है। तो अल्लाह सुभान व तआला रात को नींद की हालत में तुम्हारी जानों को ले लेता है, यानी इंसान के अंदर से एक रूह निकल जाती है। इसीलिए आप देखें कि बाज़ोकात जो ख्वाब हम देखते हैं उसमें हम किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, मरे हुए इंसानों से मुलाकात कर रहे होते हैं, बाज़ोकात कोई हमें मैसेज दे रहा होता है जो मर चुका होता है। आज ही सुबह एक खातून ने मुझे मैसेज किया कि मेरे दामाद की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और वो
चार दफा मुझे ख्वाब में आके एक ही बात कहता है, और जब वो बात कह देता है तो उसके बाद यकाय खौफ से मेरी आंख खुल जाती है। तो आप बताएं कि इसका हम करें क्या। तो मैंने कहा कि पहले आप मुझे ये बताएं वो क्या कहता है। कहते वो कहता है कि आप मेरी अम्मी से जाके कहें कि मेरे साथ ऐसा सलूक ना करें, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ और वो मेरे साथ ऐसे नहीं करें। अब कैसे नहीं करें? तो मैंने कहा कि इससे तो ये इशारा मिलता है कि माँ किसी बात पर उससे खफा थी जब वो फौत हुआ है, नाराज थी, और शायद उस नाराजगी का कुछ असर अभी तक दिल में बाकी है। तो जाहिर है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसकी माँ उससे नाराज है तो फिर खैर नहीं, फिर कुछ ना कुछ आगे उसकी पकड़ है, कितनी हो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा दुनिया में इंसानों के साथ हमें अपने मामलात साफ कर लेने चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब आ जाएगी, हम कब दुनिया से चले जाएंगे, और इस बात से तो बहुत डरना चाहिए कि हमारी वजह से हमारी माँ रोए, हमारे किसी सलूक पर, हमारे किसी रवैये पर, हमारे किसी तरीके पर, हमारी किसी आदत पर। तो माँ को रुलाना नहीं चाहिए। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ हिजरत और जिहाद करना चाहता हूँ। आपने पूछा तुमने अपने माँ बाप को किस हाल में छोड़ा, तो वो बोला कि वो रो रहे थे, क्योंकि मैं एक ही था उनकी खिदमत करने के लिए तो वो रो रहे थे। आपने फरमाया तुम वापस जाओ, फफीहिमा फजाहिद, उन्हीं में जाके जिहाद करो, उन्हें उनकी खिदमत करो, और जिस तरह तुम उन्हें रुला के आए हो ऐसे ही जाकर तुम उन्हें हंसाओ। तो हम में से हर एक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे और माँ बाप को खुश रखे। अगर किसी बात पर माँ बाप के साथ इख्तलाफ भी हो तो भी उस इख्तलाफ को जल्द खत्म कर लेना चाहिए। बाज़ुकात माँ बाप ऐसी बातें कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, या ऐसी बात कहते हैं जो हमारे लिए माननी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उसमें आपस में बातचीत करके कोई ना कोई उसका हल, कोई ना कोई उसका रास्ता जरूर निकालना चाहिए। और इस हाल में मौत हरगिज नहीं आनी चाहिए कि माँ बाप नाराज हो, वो दोनों या कोई एक। और अगर हमने नादानी में ऐसा कुछ कर लिया है, हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे काम किए कि जिससे वो खुश नहीं थे और वो दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके पीछे उनके लिए खूब खूब दुआएं करें, उनकी बख्शिश की दुआएं करें, उनकी तरफ से सदका खैरात करें, उनके रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें, क्योंकि वालिदैन के मरने के बाद जो उनसे हुस्न सलूक होता है उसका एक हिस्सा ये है कि जिंदगी में वो जिन लोगों से मोहब्बत करते थे, जिन लोगों का वो ख्याल रखते थे, उनका ख्याल रखा जाए, यानी उनसे मोहब्बत की जाए, उनको पूछा जाए। बाज़ुकात तो अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को जो माली लिहाज से कमजोर है, उनकी कुछ माल से मदद करते थे, और अगर अल्लाह हमें तौफीक दे तो अपने वालदैन के उन रिश्तेदारों की माली मदद जारी रखनी चाहिए। इसी तरह अगर वो किसी खास मौके पर कोई सदका खैरात करते थे तो वो सदका खैरात उनकी तरफ से जारी रहना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। फिर हमारे बाद हमारी औलाद तो जो भी करेगी, लेकिन हम अपने वालदैन की लेगेसी को आगे लेके बढ़ने वाले हों। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के एक बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में बहुत इत्तबा किया करते थे, बहुत पैरवी करते थे। तो एक बार वो हज पे जा रहे थे, उनका तरीका ये था कि जब हज पे जाते थे तो ऊंट के साथ साथ अपना गधा भी रखते थे। आपको मालूम है कि ऊंट की सवारी थका देने वाली होती है, और जब वो ऊंट पर बैठे बैठे थक जाते थे तो फिर गधे को सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। और रास्ते में चूंकि मट्टी गर्द बहुत होती थी तो वो अपने सर पे पगड़ी पहनते थे। अब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बद्दू मिला, तो उससे मुलाकात की, तो पता चला कि ये हजरत उमर के दोस्त का बेटा है। तो उन्होंने अपना गधा भी और अपनी पगड़ी दोनों उनको दे दी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ ही कहने लगे कि आपने तो दोनों चीजें उसके हवाले कर दी, आपका सफर कैसे गुजरेगा? तो कहने लगे कि ये मेरे वालिद उमर के दोस्त का बेटा था, तो मुझे ख्याल आया कि मैं इसके साथ हुस्न सलूक करूं, क्योंकि इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था। तो हमारा दीन कहाँ तक हमें खैरखाही और ख्याल रखने और रिश्तों को निभाने और ताल्लुकात को निभाने का हुक्म देता है। और ये सहाबा कराम थे जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, अपने लिए कम ही कुछ बचा के रखते थे, देने वाले थे। और अरबों के दिल तो वैसे भी बड़े वसी होते हैं, और एक कुदरती भी उनके अंदर देने का मिजाज पाया जाता है, लेकिन इस्लाम ने आकर उस देने के
मिजाज को और खूबसूरत बना दिया और अल्लाह की खातिर करने वाला बना दिया, जिसका फिर अजर ही अजर है। तो बात मैं ये कर रही थी कि बाज़ औक़ात नींद के वक्त इंसान ख्वाब में ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है, हालांकि फिजिकली वो बिस्तर पर होता है, तो वो दरअसल उसकी रूह होती है और वो रूह रूह से मुलाकात कर सकती है, यानी घूम फिर के और पिछले फौतशुदा लोगों से या जिंदा लोगों से या कुछ भी। तो ये अल्लाह ताला का एक ऐसा निजाम है, अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा मजहर है जिसे हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, और इससे पता चलता है कि अल्लाह सुभान व तआला वो काम करता है जो बंदे नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला अगर रूह ले जाए और वापस ना करे तो कोई बंदा उस रूह को डाल नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहे तो कोई किसी को मार नहीं सकता, वो उसकी हिफाजत के लिए कोई भी रास्ता निकाल देगा। लिहाजा हमारी जिंदगियों में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बाद एक सवालिया निशान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बात यह है कि ये तकदीर का एक हिस्सा था, अल्लाह का फैसला था जो पूरा हो गया। इसके पीछे क्या हिकमत थी, क्या बेहतरी थी, बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला हर चीज का इल्म रखता है। قد احاط الله بكل شيء علما, अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ हर चीज का इहाता कर रखा है, माजी हाल मुस्तकबिल सब जानता है, किस इंसान के फायदे में क्या चीज है और नुकसान में क्या चीज है, किसकी मौत जल्दी आनी चाहिए और किसकी मौत ताखीर से होनी चाहिए, इसका इल्म अल्लाह ताला को ज्यादा है। लिहाजा कभी भी इंसान को अल्लाह के फैसलों पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के फैसलों को खुश दिली से कबूल करना चाहिए कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ, वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही रिस्क देता है, वही इम्तिहान लेता है, सब कुछ उसी के कब्जे कुदरत में है। फिर इस आयत में फरमाया वयालमु मा जरहतुम बिन्नहार, और वो जानता है जो तुम दिन में मुख्तलिफ काम करते रहते हो। जरह का लफ्जी मतलब होता है जिंदा चीज की जिल्द, स्किन जो होती है, और चमड़े को किसी तेज धार चीज के साथ फाड़ देना, जैसे छुरी तलवार नाखून कुचली वाले दांत, इनके जरिए स्किन को काटना जुर्ह कहलाता है। इसीलिए जख्म के लिए लफ्ज जुर्ह इस्तेमाल होता है और जख्मी को मजरूह कहते हैं, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मजरूह। तो यहाँ मुराद इससे मा जराह तुम का मतलब यह नहीं कि जो तुम चीरते फाड़ते हो, बल्कि मतलब ये है कि जो काम तुम अपने हाथ से या जबान से करते जाते हो। यानी बाज़ औक़ात इंसान के हाथ भी दूसरों को तकलीफ देते हैं और बाज़ औक़ात जबान तो मजरूह जख्मी कर ही देती है दूसरों को। यानी जिस किस्म के भी तुम काम करते हो वो सारे अल्लाह के इल्म में है। तुम यबअथुकुम फीही लियुक़्दा अजलुम मुसम्मा, फिर वो तुम्हें नींद की हालत में फौत करने के बाद दिन में उस नींद से जगा देता है ताकि हर शख्स अपनी वो उम्र पूरी कर ले जो अल्लाह के इल्म में उसके लिए मुकर्रर की गई है, इस दुनिया में उसके लिए मुकद्दर की गई है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने इंसानों की तकदीर जमीन आसमान की पैदाइश से भी 50,000 साल पहले लिखी। ये उसका इल्म था कि वो क्या पैदा करने वाला है, उसको पहले से पता था, और वो पैदा होने के बाद क्या करेगा यानी कौन सी चीज कैसी होगी ये भी उसके इल्म में था। एक पत्ता भी गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म में होता है। तो बाज़ औक़ात मैं जब किसी दरख्त को देखती हूँ तो हैरान 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 हो जाती हूँ कि इसके पत्तों का हम इहाता नहीं कर सकते सिर्फ एक दरख्त के। यानी कुछ दरख्त इतने घने होते हैं जैसे बेरी का दरख्त है या और भी कई दरख्त होते हैं, टाली वगैरह होती है, कि अगर हम इनको गिनना चाहें ना तो हमारे दिल लग जाएंगे उनको, और फिर भी शायद गलती कर जाए, और ये सारे झड़ते हैं और फिर जमीन में गुल मिल जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, तो साल हा साल तक यही कुछ होता है। ये सब कुछ अल्लाह को पहले से पता था कि ये दरख्त फलां जगह लगेगा और इस पर हर साल इतने पत्ते आएंगे, इस दरख्त की उम्र इतने साल है। हमें नहीं पता होता कब ये दरख्त जल जाए खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह को पता है। ऐसे ही इंसानों के बारे में हमें नहीं पता होता कब किस दिन किसकी मौत का वक्त लिखा है और वो आ जाए, लेकिन अल्लाह को पता होता है। तो ये अल्लाह ताला का इल्म है, और यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, वो आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ आमाल जो है इंसान की जिंदगी में बरकत पैदा करते हैं और थोड़े वक्त में इंसान बहुत कुछ करके चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, नंबर एक ये कि हम यहाँ हमेशा रह नहीं सकते इस दुनिया में, हमें यहाँ से जाना ही जाना है।
यानी हम में से हर एक पर मौत आनी है, और दूसरी बात यह कि मौत के बाद अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। तुम इलैहि मर्जिउकुम, यानी तुम्हारा इस दुनिया में अपनी जिंदगी के पूरा हो जाने के बाद अकेले अल्लाह की तरफ लौट जाना है। ठीक है, लौट जाना, फिर क्या होगा? थुम्म युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तअमलून, जो कुछ तुम करते रहे। हम में से हर एक को सोचना चाहिए वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के, क्या वो जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक है या अल्लाह ताला की नाराजगी के मुताबिक। हम बाज़ औक़ात बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उससे हमारे दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं वो काम, हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, हमारे नफ्स के मुताबिक होते हैं, हमारा पैशन होते हैं, वो इसलिए हम कर रहे होते हैं। लेकिन हम में से हर एक को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है और उसका बदला वो किससे चाहता है। ثم ينبئكم بما كنتم تعملون, अब ये जो बताया जाएगा ना, तो इससे पता चलता है कि हम में से हर एक अपना नामा आमाल देखेगा, और जब देखेगा तो पुकार उठेगा, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया है कि इसने ना कोई छोटी बात छोड़ी है ना कोई बड़ी, मगर उसको गिन गिन के लिख लिया है, शुमार कर लिया है। मसलन अगर एक इंसान को झूठ बोलने की आदत है और वो जिंदगी में 1000 झूठ बोलता है, तो सिर्फ झूठ नहीं लिखे होंगे बल्कि झूठों की तादाद भी लिखी हुई होगी, कितने 1000 झूठ बोले इस शख्स ने। और इसी तरह बाकी अमाल भी, इतनी रकतें इसने पढ़ी, इतने कुरान के हर्फ पढ़े, क्योंकि हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलने वाली है, तो वो हुरूफ भी गिने हुए होंगे। एक एक जर्रा जो है उसका बदला है। कुरान मजीद में आता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युदाइफ़हा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, अल्लाह किसी जान पर एक जर्रे जितना भी जुल्म नहीं करता, एक डॉट जितना, डॉट भी बड़ा होता है, जर्रा उससे भी छोटा होता है, और अगर वो जर्रा नेकी का हो तो उसको वो कई गुना ज्यादा बढ़ा देता, मल्टीप्लाई कर देता है, और अपने पास से अजर अजीम अता करता है। ये है हमारा रब अल्लाह अर रहमान, कि जो हमारी नेकियों की इस कदर कदरदानी करता है कि बड़े अमाल तो अपनी जगह, लेकिन छोटा सा अमल भी वो कबूल करता है, वो छोटे से अमल से भी राजी हो जाता है, और अगर खुलूस का जर्रे जितना अमल भी हो तो उसको भी अल्लाह सुभान व तआला बेहतरीन अजर से नवाजेगा। वह युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, यानी अल्लाह के पास तो बहुत कुछ है, उसके खजाने तो बहुत वसी है, लिहाजा वो अपने पास से इंसान को अजर अजीम अता करेगा। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है। हलाल कमाई में से एक लुकमा जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह सुभान व तआला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल करता है, दाएं हाथ में लेता है, फिर उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, हत्ता कि एक लुकमा उहद पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। आप में से किसी ने उहद पहाड़ देखा होगा, तकरीबन 12 मील तक उसकी रेंज है, और बहुत हैवी किस्म का पहाड़, भारी किस्म का। सिर्फ एक मोरसर, एक लुकमा जो आप किसी को खिला देते हैं, बस शर्त यह है कि अल्लाह की खातिर खिलाएं, और शर्त यह है कि हलाल कमाई में से हो, क्योंकि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह ताला पाक है और वो पाक चीज के अलावा कबूल ही नहीं करता, यानी हराम माल को वो कबूल नहीं करता, मशकूक माल को वो कबूल नहीं करता, पाकीजा माल ही को कबूल करता है, जो इंसान मेहनत से कमाता है और फिर मेहनत से अपने दिल लगा के उसको खर्च करता है, अपने दिल की खुशी से उसको आगे देता है। और फिर सहीफों में तो एक एक चीज लिखी हुई है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, और हर छोटी बड़ी बात, कुल्लू कबीरन व सगीरन मुस्तफर, हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सतरों में लिखी हुई, मुस्तफर सतर कहते हैं ना लाइन को, यानी तहरीर शुदा है, रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-मुजादला में, अहसाहुल्लाहु व नसूहु, अल्लाह ने उन्हें गिन गिन कर रखा है जबकि वो उसे भूल चुके। इंसान अपने अमाल करके भूल जाता है, जबान से बातें निकाल के भूल जाता है, अपने रवैयों को फरामोश कर देता है, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला उसको नहीं भूलता। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, और वो अपने बंदों के ऊपर गालिब है, काहिर है। इमाम राजी कहते हैं इस कहर के कई माने हैं। एक माना है कि अल्लाह ताला इस तरह गालिब है कि एक चीज को अदम से वजूद में ले आता है, यानी ही मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो
عدم سے وجود میں لانے والا صرف وہ ہے. ہم انسان جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو مولڈ کرتے رہتے ہیں، اسی کو ڈھالتے ہیں، مختلف شکلوں میں ان کو بنا لیتے ہیں. اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں اور ہم اس کو ایجاد کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو وہ فنا کرنے پر بھی غالب ہے، یعنی نہیں تو بنانے پہ قادر ہے اور ہے تو اس کو ملیامیٹ کرنے پر بھی قادر ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ متضاد چیزوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی رات اور دن اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. اور چوتھی بات یہ کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ قادر ہے، یعنی جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو وہ اس کو کر لیتا ہے. یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. چار چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، باقی سب کن کہہ کے بنائے. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ قلم، آدم علیہ السلام، جنت عدن اور عرش الہی، اور باقی چیزیں کن کہہ کے. ان چار چیزوں کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے. قلم کو عزت دی ہے، عرش کو عزت دی ہے، آدم علیہ السلام کو عزت دی ہے اور جنت عدن کو عزت دی ہے. پھر فرمایا وہ یرسل علیکم حفظا، وہ تم پر نگران بھیجتا ہے، یعنی فرشتے. حفاظت کے فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت پر معمور ہیں، بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے شیطان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. سورۃ الرعد میں آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، یعنی من امر اللہ سے مراد بھی امر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. دوسرے وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت پر معمور ہیں، یعنی جو ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہر ہر ایکشن، ہر ہر چیز کا پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون اننا لا نسمع سرہم ونجواہم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے، یعنی یہ جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا؟ کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سن رہا، ہم دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، کوئی نہیں، اب بات کر لو. نہیں، فرشتے تو کہیں نہیں جاتے، وہ تو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ شروع کرتے ہیں لکھ کے یا بول کے یا وسپر کر کے، وہ ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں. لہٰذا انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپ جائے یا اللہ سے بھاگ جائے. بھاگ کے دکھائے نہیں بھاگ سکتے، جانا تو اسی کے پاس ہے. کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے نہیں بھاگ سکتا. جو بھاگے گا اس کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا. اور ان فرشتوں کو حافظین بھی کہا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے، ان کو سب پتا ہے، تمہارے کھلے چھپے ہر چیز کا انہیں علم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال کیوں لکھوایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر خود ہی پتا ہے تو پھر فرشتوں سے کیوں لکھوایا ہے؟ اس میں بندوں کے لیے شفقت اور نرمی، کیونکہ جب ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود نگرانی کر رہا ہے اور پھر یہ کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں اور یہ نامہ اعمال قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا، یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے. اور اس طرح وہ اپنے اس نام اعمال کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے آ جائے گا تو اس کی بہت سخت شرمندگی ہوگی، تو مجھے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ میرے دو روپ ہوں، ڈبل فیس ہو، میں لوگوں کے سامنے کچھ ہوں، میں تنہائی میں کچھ ہوں، میں اپنوں میں کچھ اور ہوں اور کسی اور کے سامنے اور ہوں، اپنے گھر میں کچھ اور ہوں اور باہر کچھ اور ہوں. نہیں، انسان انسان ہی رہے اور لوگوں سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو. پھر فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے جو اس سلسلے میں مقرر ہیں وہ اس کو پورا پورا لے لیتے ہیں. یعنی یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ زندگی کی مدت ختم ہونے تک بس حفاظت کرتے ہیں، اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہو جاتا ہے، یہ فرشتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے واپس. اور وہ فرشتے آتے ہیں جنہیں انسان کو فوت کرنے کا کام دیا گیا، وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کا سردار ملک الموت کہلاتا ہے.
जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते दूर तक हद्द निगाह नजर आने लगते हैं इंसान। आपने देखा होगा कि कई मरीज ये भी कहते हैं कि बहुत लोग आ गए हैं, जगह बनाओ, खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, पीछे हट जाओ, जगह बनाओ। ये अक्सर सुनने को मिलता है, यानी मरने वाला इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो मोमिन की रूह जब फरिश्ते लेने आते हैं तो हद निगाह तक फरिश्ते, और वो नूरानी चेहरों वाले होते हैं, खूबसूरत फरिश्ते होते हैं, जिसकी वजह से मैयत को एक इत्मीनान हो जाता है। फिर मलकुल मौत आते हैं और वो फरिश्तों के सरदार हैं जो मौत का काम करते हैं, और वो उसके सरहाने के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकि राधियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती अय्युहर रूहुत तय्यिब उखरुजी मिन जसदिन तय्यिब। ऐ पाक रूह, पाकीज़ा जिस्म से बाहर आ जाओ। और वो रूह उनके कहने पर ऐसे बाहर आ जाती है जैसे पानी का कतरा किसी बोतल में से बाहर निकल जाए आसानी के साथ, क्योंकि उसको रब की मुलाकात की बशारत मिल चुकी होती है कि रब राजी है तुमसे। तो वो खुश हो जाती है कि अब आगे मुश्किल नहीं है, अब जाना चाहिए। फिर उसको दुनिया से ज्यादा आखिरत की मोहब्बत लग जाती है। तो ऐसे बंदे से अल्लाह ताला भी मिलना चाहता है जो अल्लाह की मुलाकात की ख्वाहिश रखता हो। इब्न अब्बास कहते हैं कि बहुत से फरिश्ते मलकुल मौत के मुआविन हैं, लिहाजा जो ही रूह निकलती है तो मलकुल मौत रूह निकाल के लेके फौरन फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। फिर वो जो नेक शख्स होता है उसके लिए जन्नत से कफन आता है, रूह के लिए अलग कफन होता है, और जन्नत की खुशबू हनूत भी लाते हैं, उसका नाम हनूत है, हानून वाक्तोय। तो वो उस खुशबूदार कफन में उसकी रूह लपेटते हैं और उसको ले जाते हैं फौरन, यानी फरिश्ते उसको लेके आगे चल पड़ते आसमानों की तरफ जाते हैं। जहां जहां से फरिश्ते गुजरते हैं उस रूह को लेकर, तो फरिश्तों का कोई भी ग्रोह जो रास्ते में नजर आता है वो पूछता है कि ये कौन पाकीज़ा रूह है, यानी उसकी खुशबू की वजह से और उसके एहतराम की वजह से। तो पता चलता है कि ये तो फला जो दुनिया में उसका सबसे अच्छा नाम था, इज्जत से जिस नाम से उसको बुलाया जाता था, उस नाम के साथ बताया जाता है कि फला की रूह जा रही है। हत्ता कि वो पहले आसमान तक पहुंचती है, फिर वो दरवाजा खटखटाते हैं, फिर वो पूछते हैं कि कौन है, तो बताया जाता है कि फलां की रूह है। फिर उस दरवाजा खोल दिया जाता है और करते करते इस तरह उस सातवें आसमान पे पहुंच जाती है, इल्लीयीन, आला इल्लीयीन में पहुंच जाती है। तो बहरहाल दुनिया में जिस्म को नहलाया धुलाया जाता है और फिर कब्र में लिटाया जाता है, और फिर उसकी रूह वापस आती है उसके जिस्म में, और फिर हिसाब किताब होता है। वहम ला युफर्रितून, और वो रूह निकालने में कोई कमी नहीं करते, यानी वक्त मुकर्रर से पहले नहीं जाते और मौत का वक्त पूरा होने के बाद ताखीर नहीं करते, यानी अपनी ड्यूटी परफेक्टली अंजाम देते हैं, कोई कोताही नहीं करते, ना पहले जाते ना लेट जाते, एन टाइम पर। और फिर ये भी माना किया गया है कि रूह को उसके मकाम तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। अगर वो आला इलियन से ताल्लुक रखता है तो वहां ले जाते हैं उसको, और अगर कोई बुरा इंसान है, बदकार इंसान है, तो उसको सिज्जीन में भी ले जाते हैं, क्योंकि आसमान के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खुलते ही नहीं, और उनको पटखा मारा जाता है और सिज्जीन में उनकी रूह जाती है, और सिज्जीन एक कैद खाना है। सिज्जीन के बारे में आमतौर पर लोगों के अंदर गलत फहमी पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि उलमा जो है सिज्जीन के दो माने करते हैं, एक तो वो जो कुरान मजीद में आता है कल्ला इन्ना किताब अल अबरारी लफी इल्लीयीन, और फिर इसी तरह लफी सिज्जीन, जो बुरे लोगों का नाम है हमारा। इसका माना क्या है कि फुज्जार के बरक्स नेक लोगों की किताब या नामा आमाल जो है वो इल्लीयीन में रखा जाता है। قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا ابن عباس نے کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وانا حاضر اور میں اس وقت وہاں خود موجود تھا عن سجین سجین کے بارے میں قال هي الارض السابعة کہ یہ ساتویں زمین ہے وفيها ارواح الكفار اور اس میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں وسأله عن الیین اور ان سے الیین کے بارے میں بھی پوچھا فقال هي السماء السابعة تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتواں آسمان ہے وفيها ارواح المؤمنین اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں وهكذا قال غير واحد ان السماء السابعة کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے یعنی الیین کہاں ہے ساتویں آسمان میں اور وہاں الیین ایک طرح سے سمجھ جنت ہی ہے اب وہاں پر پہنچ کر ثم ردوا الى الله مولاهم الحق پھر وہ اپنے حقیقی مولا سچے مولا اصل مولا
यानी अल्लाह सुभान व तआला की तरफ लौटा दिए जाते हैं। क्यों? ताकि उनका हिसाब लिया जाए, ताकि वो क़यामत के दिन जजा सजा पा सकें। मौला जो है उसका माना होता है जो लोगों के सारे उमूर और मामलात का जिम्मेदार होता है, यानी जो घर वालों को उनके कामों में असिस्ट कर रहा होता है। तो हकीकी मौला जो है वो अल्लाह सुभान व तआला ही है। अला लहुल हुक्म वहुवा असरुल हासिबीन, खबरदार हुक्म उसी के लिए है और वो सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी सारी मखलूक को यक बारगी उठा के सबसे इकट्ठा हिसाब भी ले सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। तो इन आयात से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात की हरकत और सकनात का इहाता किए हुए है। फिर ये कि सोना और जागना अल्लाह की बनाई हुई आखिरत की याद दिलाता है और ये याद आनी चाहिए। फिर ये कि हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए, मौत को याद रखना चाहिए, हर नमाज में अपनी मौत को याद रखें, उससे नमाज में खुशू खुजू आएगा। फिर मौत की हकीकत पहचानने के लिए दूसरी मुसीबतें हल्की हो जाती हैं और किसी की मौत की खबर सुन के अपनी मौत के बारे में जरूर सोचें। ये ना सोचे कि हमारा तो इससे ताल्लुक कोई नहीं, वो तो दूसरा खानदान है और उसको COVID-19 की वैक्सीन सूट नहीं की, लिहाजा उस पर तो ये मसला हो गया और ऐसे फौत हो गया तो हमारी तो अभी नहीं बारी। नहीं, किसी को नहीं पता कौन लाइन के किस नंबर पर है। और फिर ये है कि मौत को नापसंद नहीं करना चाहिए बल्कि अच्छे काम करना चाहिए ताकि मौत के वक्त जो हमारी जिंदगी है वो खूबसूरत हो, क्योंकि हर एक ने मरना है, मौत का फरिश्ता भी मुकर्रर है, मौत से फरार मुमकिन नहीं, मौत से कोई भी बचने वाला नहीं। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बच जाऊंगा, बोला मैंने दवाई इजाद कर लिया और वो खा लूंगा और कभी मौत नहीं आएगी मुझ पर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कि मौत का वक्त और जगह भी मुकर्रर। फिर ये भी याद रखना चाहिए कि मौत की सख्तियां भी हैं। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक वज़न अन्नहु अलफिराक वल्तफत अस्साक बिस्साक, हरगिज नहीं वो वक्त याद करो जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा है कोई दम करने वाला, दम झाड़ करने वाला, और वो यकीन कर लेगा कि यकीनन जुदाई का वक्त आ गया है, पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी, उस दिन तेरे रब ही की तरफ रवानगी का वक्त है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मौत की शिद्दत महसूस हुई थी। अब यह है कि अगर कोई अपने करीबी लोगों में से मौत हो जाए तो क्या करना चाहिए? खबर सुनते ही पहले अल्फाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने चाहिए। फिर उस शख्स के लिए दुआ करनी चाहिए, लवाहिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए, जबान से रब को राजी करने वाले कलमात ही कहने चाहिए। यानी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो, अल्लाह की नाराजगी के जुमले नहीं बोलते, अल्लाह सुभान व तआला की तारीफ करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। हदीस में आता है कि सदमे की पहली चोट पर सब्र करना, यानी असल सब्र क्या है, जब चोट लगे तो उस वक्त सब्र करे इंसान, यानी कि पहले रोना धोना मचा ले, चीख चिल्ला ले, फिर बाद में कहे मैंने अब सब्र कर लिया, वो तो सबको ही आ जाता है। ये याद रखना चाहिए कि सब्र करने से अजर मिल जाएगा। इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, और बेसब्री करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि अगर बेसब्री में अल्लाह ताला की नाराजगी के कलिमात मुंह से निकल गए तो उल्टा शामत आ जाएगी। फिर ये कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन करनी चाहिए, गम के मौके पे जजा फजा नहीं करनी चाहिए, नोहा नहीं करना चाहिए। फिर मैयत के पास खैर वाले कलिमात बोले, उसकी खूबियों का जिक्र करें, उसकी अच्छी सिफात का जिक्र करें, क्योंकि वो उसके हक में लिखे जाते हैं, और अगर उसके बारे में बुरी बातें की जाए तो वो भी लिखी जाती है जिन पर उसको सजा हो सकती है। फिर जल्द कफनाने दफनाने का इंतजाम करना चाहिए, मैयत के ऊपर अगर कर्ज हो पहले उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। फिर करीबी रिश्तेदारों को मैयत का गुसल देना चाहिए बेरी के पानी से, सफेद और अच्छा कफन पहनाना चाहिए, रेशमी नहीं कॉटन का हो। फिर जो मैयत को कफन पहनाए अल्लाह सुभान व तआला उसे क़यामत के दिन सुंदस का लिबास पहनाएगा, जो खर्चा करेगा वो पहनाएगा अपनी तरफ से। फिर ये कि औरतों को जनाजे के साथ नहीं जाना चाहिए। फिर दफनाने के बाद रुक के मैयत की बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, और रिश्तेदारों को तो बाद में हर रोज खुद अपनी नमाजों के बाद दुआ कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैयत को सबसे ज्यादा बख्शिश की दुआ चाहिए होती है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फारे हो जाते तो उसकी कब्र पर रुकते और फरमाते अपने भाई के लिए इस्तगफार करो। फिर औलाद की दुआ जो है वो वालिद के हक में कबूल होती है। औलाद की दुआ मैयत की यानी अपने वालदैन की दर्जात की बुलंदी का बायस भी होती है। तीन आमाल के अलावा बाकी आमाल के सिलसिले खत्म हो जाते हैं, सदका जारिया या वो इल्म जिससे नफा उठाया जा रहा है, या वो नेक औलाद जो उसके लिए पीछे से दुआएं करे, बस।
پھر خیر کا کوئی کام بھی اس کی طرف سے کیا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. پھر میت کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے. اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میری ماں صدقہ کرنا بہت پسند کرتی تھی, اگر میں اس کی طرف سے کروں تو کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہیں تھا, کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. پھر میت کے چھٹے ہوئے روزے رکھنے چاہیے جو ان کے وارثین وغیرہ ہوں. پھر میت کی طرف سے ہو ممکن تو حج بھی کیا جائے. اور پھر یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ رکھا ہے, دعائیں خوب کرنی چاہیے آخرت کی کامیابی کے لیے, امتحان میں ثابت قدمی کے لیے, کیونکہ انسان جیسے دنیا میں بھی نروس ہو جاتا ہے نا امتحان میں, تو آخرت کا امتحان تو اس سے بھی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا جو نیک باتوں کے ساتھ اس دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ جب ہم اس سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.